सा रुक के सोचिए, इमाम आप या कोई मुसलमान किसे बनाएगा? इमाम किसे बनाएगा? जिसको समझ रहा है कि हमारा बड़ा है, बहुत इल्म वाला है, अच्छा है, इसके पीछे चलना चाहिए, तो धोखा होगा ना इसमें। नबी सल्लम ने तो बता दिया, हम सोचने समझने को तैयार नहीं है। नबी सल्लम ने वो खैर और शर के बारे में जो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने पूछा, बुखारी की लंबी हदीस आपने बहुत मरतबा सुनी है, उसमें आपने बताया था कि बाद में जो शर आएगा उसमें हमारे दरमियान पूछा वो क्या होंगे, तो कहा दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, ये मैं अक्सर पेश करता हूं कि कुछ जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले दुआत होंगे। निशानी पूछी कि उनके बारे में बताइए, तो आपने कहा कि हम बनी जिल्दते ना, हमारे ही दरमियान के होंगे, नस्ल के होंगे, नस्ल में हमारे मुआशरे और समाज के, या तकल्लमो ना बे अलसीना तीना, हमारी जबान में गुफ्तगू करेंगे। अब ये हमारी जबान से अरबों में अरबी, हमारे दरमियान हमारी, कुरान हदीस का हवाला, दीन की बात करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल बता रहे हैं हमारे दरमियान होंगे, हमारी गुफ्तगू हमारी जबान में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जहन्नम के दरवाजे की तरफ दावत देने वाले में, क्या हम और आप इस पर चौंकेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे कि रसूल ने तो बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मानने को तैयार हैं, हम अपने आप को, और ये किसके लिए बताया, इसमें किसका फायदा है, मानेंगे तो हमारा फायदा, नहीं मानेंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का नुकसान, हम खुद तैयार नहीं है अपने फायदे के लिए। ये हूं बनी जल्द देने वाली हदीस। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के सिलसिले में जो डराया, नाम लेकर बताया, ऐसे ऐसे लोग होंगे, उनकी नमाज, उनका रोजा, उनकी किरत बहुत जबरदस्त होगी। सहाबा से कहा कि तुम अपनी नमाज रोजे को उनसे कमतर समझोगे, लेकिन मिल जाए ना तो उनको कत्ल करना, दिल से वैसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद कर निकलता है। बहुत बार आपने सुना, मैंने खुद बयान किया, गौर करने की बात है। यानी बिदती शख्स, मुनहरिफ आदमी जो मनहज से हटा हुआ है, हाँ, उसकी अगर बड़ी नमाजें हैं, बहुत रोजा रखता है, बहुत कुरान पढ़ता है, उससे मुतासिर नहीं होना है मेरे।